Zip karo. Campus ko. Zip karo. Justice for Neelam. Justice for Neelam. Justice for Neelam. Jhoote waade nahi chalenge. Jhoote waade nahi chalenge. Jhoote waade jhoote waade nahi chalenge. 1 2 3 4 campus chahiye aapki baat. 1 2 3 4 campus chahiye aapki baat. 1 2 3 4 campus chahiye aapki baat. Campus ko shift karo. Campus ko सर, मेरा नाम विकास कुमार है और मैं NIT उत्तराखंड का एक छात्र हूँ। यहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट पे जंतर मंतर पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका डिमांड क्या है आपका? सर, इसकी तीन डिमांड है। एक तो पहली डिमांड कि जो इस स्टेट गवर्नमेंट और MHRD जो सेंट्रल गवर्नमेंट रन कराती है, उसकी गलती के वजह से जो कैंपस नहीं बना और उस लड़की का जो एक्सीडेंट हुआ, उस दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती की वजह से हम चाहते हैं कि उसकी पूरी लाइफ टाइम इलाज की व्यवस्था कराई जाए। और वो लड़की नीलम मीना कमर से नीचे पैरालाइज हो चुकी है, तो उसको इंजीनियरिंग रैंक की एक जॉब दी जाए ताकि अपना जीवन वो आगे रन कर सके। और दूसरी डिमांड हमारी है कि टेम्पररी कैंपस जो कागज पर और जुगाड़ के साथ चला रखा है उत्तराखंड में श्रीनगर गढ़वाल में, जहां ना कि मेडिकल एक्सपोजर है ना टेक्निकल एक्सपोजर है, एक भी समस्या नहीं है, कागज पे चल रहा है। ये कौन चला रहा है? ये चला रही है MHRD जो कि रन की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर चलाई जा रही है। तो उस कैंपस को तत्काल ऐसे जगह रखा जाए, ऐसे जगह शिफ्ट किया जाए जहां सारी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं जो कि एक इंसान को मिलती है, एक NITians को मिलनी चाहिए, वो मिले। और जमीन जो कि आज तक तीसरी ये है हमारी डिमांड कि 10 साल में जो जमीन तक तलाश नहीं कर पाए, वो कैंपस बनाने की बात तो दूर तक सोचेंगे, वो कैंपस के लिए कम से कम जमीन ढूंढ ले। और NITians हैं, देश में 31 NIT है, देश के लिए हम रिसर्च और इनोवेशन का काम करते हैं और आज हमें जंतर मंतर पे धरना दे रहा है। देश के लिए बहुमूल्य समय जो हमें NIT पूरे देश के लिए लगाना था, उसको छोड़ के हम जंतर मंतर पर मजबूर है धरना देने के लिए। मेल करते हैं चीफ सेक्रेटरी कि हम तुम्हें शिफ्ट कर रहे हैं और अपने मेल को फिर कोई रिप्लाई नहीं करते हैं। और उसके ऑफिशियल से जब हम फोन से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि तुमने NIT उत्तराखंड में क्यों एडमिशन लिया, उनके ये जवाब हैं। तो अब प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, देश में जितने भी NIT और IIT में शिक्षित लोग हैं और जो भी शिक्षित लोग हैं पूरे देश के अंदर, उनको सोचना चाहिए कि शिक्षा के प्रति MHRD जो बनाई गई हायर एजुकेशन के लिए, उसका क्या रवैया है, उसकी क्या सोच है, ब्यूरोक्रेट्स को किस लिए बनाए गए हैं MHRD रन कराने के लिए, हायर एजुकेशन चलाने के लिए, कि पॉलिटिकल प्रेशर में काम करने के लिए। तो अगर ये प्रोटेस्ट करने के बाद भी डिमांड एक्सेप्ट ना हो तो नेक्स्ट आपका रणनीति क्या होगी? सर, इससे ऊपर नेक्स्ट बचते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, ऑनरेबल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। और यदि यहाँ भी फुलफिल नहीं होती है तो देश के लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि जो लोग देश के लिए काम करने आते हैं, जो लोग देश के लिए रिसर्च करने आते हैं, उसके साथ ऐसा हो रहा है, तो देश के लोग सोचें कि अब उनको क्या स्टेप लेना चाहिए इससे आगे। ज्ञापन अभी किसको सौंपे हैं? अभी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को, यहाँ से ज्ञापन देंगे बच्चे अपना। तो ये वन डे का आपका है? ये अभी हम देखते हैं, अभी हमारा आज का जैसे शाम होगी तो फिर हम सोचेंगे कि आगे हमें क्या करना है। थैंक यू, बताइए। मैं वहाँ से NIT उत्तराखंड से पास आउट का स्टूडेंट हूँ। मेरा एमटेक से मैं पास आउट हूँ। वहाँ पे मैं 2 साल रहा, लेकिन वहाँ पे फैसिलिटी के नाम पे, वहाँ पे एमटेक स्कॉलर्स के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, हमसे फीस पूरी ली जाती है और फैसिलिटीज के नाम पे हमें एक छोटे से रूम में बैठाया जाता है। रिसर्च के नाम पे कोई भी वहाँ पे ना एक्सपोजर है, ना ही वहाँ पे कोई लैब है जहाँ पे हम जाके रिसर्च कर सकें। हमें हॉस्टल फैसिलिटी दी नहीं गई, एमटेक की गर्ल्स को हॉस्टल फैसिलिटी दी नहीं गई। और बीटेक के जो बच्चे हैं वहाँ पे, एक एक रूम में 6-6 बच्चे वहाँ पे एडजस्ट किए जा रहे हैं। और जब हम इतने समस्या होने के बावजूद भी इतना डिले क्यों हुआ? देखिए, अब ये डिले क्यों हुआ, अब ये बात हम गवर्नमेंट से पूछते हैं। जब हम आज वहाँ के मिनिस्टर से पूछने जाते हैं कि ये डिले क्यों हो रहा है, तब अब वो कांग्रेस से पूछती है। जब वो विपक्ष में थी तब भी वो कांग्रेस से पूछती है, आज जब सत्ता पक्ष में तब भी वो कांग्रेस से पूछती है। वो मतलब विपक्ष की भूमिका, अब सत्ता पक्ष में आने के बाद भी वो विपक्ष की भूमिका निभा रही है। तो कहीं ना कहीं आपको गुमराह किया जा रहा है इस तरह। बिल्कुल गुमराह, वहाँ पे पूरी पॉलिटिक्स, ये देखिए बात बिल्कुल साफ है, ये पूरा पॉलिटिक्स इसमें पूरी इन्वॉल्व है। इसके पहले हमारे एक उच्च शिक्षा मंत्री थे डॉक्टर सत्यपाल सिंह, तो वो वहाँ पे विजिट किए, कह रहे हैं कि यार आजकल की टेक्नोलॉजी तो बहुत एडवांस हो गई है, ये 50 एकड़ की ज़मीन ले लो और इसमें NIT डेवलप कर दो। मैं कहता हूँ यहाँ पे MP का घर है, 150-150 एकड़ में बने हुए MP के घर, हम तो उनको भी हम मल्टी लेवल स्टोरी बना के उनको शिफ्ट कर सकते हैं, वो अपना ज़मीन यहाँ से क्यों नहीं छोड़ देते हैं? आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट ले करके सेंट्रल से और छोटे छोटे स्टेटों में बच्चों के साथ ये धोखाधड़ी किया जा रहा है?
एजुकेशन के नाम पे। ये तो बिल्कुल धोखाधड़ी है। वहाँ पे हम उत्तराखंड के पास लैंड है, लेकिन इस बात को पहाड़ी वर्सेस प्लेन में एक तो तब्दील कर दिया जा रहा है वहाँ के लोकल लीडर्स के द्वारा। सुमाड़ी में हमें लैंड दी गई कांग्रेस के टाइम, वहाँ पे लैंड दी गई हमें, लेकिन वहाँ के लोगों ने फ्री में हमें लैंड दे दिया। और जब उसका सर्वे किया गया तो तब समझ में आया कि आखिर उन्होंने फ्री लैंड क्यों दी, क्योंकि पूरी की लैंड खराब है, वो उनके यूज में भी नहीं है। उसमें अगर आज 1,000 करोड़ लगाकर कंस्ट्रक्शन होता है तो उसकी वैलिड वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल उसकी लाइफ है। ये रिपोर्ट IIT रुड़की के जियोलॉजिस्ट ने, वहाँ पे सर्वे उन्होंने किया था, उन्होंने ये दिया था। इसीलिए वहाँ की पब्लिक आ गया है कि ले लो मेरा लैंड, ले लो NIT डेवलप कर दो। एक्चुअल में उनका मुद्दा ना उच्च शिक्षा है ना शिक्षा है, उनका मुद्दा केवल पैसा कमाना है, रोजगार स्थायी लोगों को देना है। हम पहाड़ विरोधी नहीं है, हम कह रहे हैं कि हमें कहीं और शिफ्ट करिए, हमें आप आगे बद्रीनाथ में शिफ्ट कर दीजिए, कोटद्वार में शिफ्ट कर दीजिए, जहाँ पे आपके पास लैंड हो आप वहाँ पे शिफ्ट करिए। और अगर नहीं लैंड है तो स्टूडेंट से साफ साफ बता दीजिए कि मेरे पास लैंड नहीं, उनको धोखा मत रखिए, धोखे में मत रखिए। 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 रुपये फी आपकी हर साल बढ़ती चली जा रही है। स्टूडेंट हर साल इतना खर्च करके अपना एजुकेशन ले रहा है और मिलता उसे क्या है? वो एक लड़की आज पैरालाइज हो गई, आजीवन वो पैरालाइज रहेगी, आजीवन वो बैठ तक नहीं पाएगी। इसका जवाब कौन देगा? उसका जवाब भी क्या कांग्रेस वाले पूछा जाएगा? उसका जवाब कौन देगा? कोई एक दूसरे पे आरोप लग करके ये एक दूसरे पे नहीं, सारी की सारी गलती सत्ता पक्ष की है। वो आज 4 साल हो गए, आप क्या था आपका रोड मैप? इस NIT के लिए आपका रोड मैप क्या था? वहाँ पे गुजरात में तो एक बहुत बड़ी स्टैचू बन गया 300, 400, 500 करोड़ में। हमारे एजुकेशन की 3,000 करोड़ की स्टैचू है, 3,000 करोड़ की स्टैचू है। दूसरी राम मंदिर में स्टैचू बनने जा रहा है, उसके लिए तो आपके पास फटाफट साइन कर देते हैं। हायर एजुकेशन के लिए कुछ रोड मैप है आपके लिए कि नहीं? तो आप यहाँ से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यहाँ से संदेश यही देना चाहूँगा कि देख लीजिए, बस अब 1 साल बाकी है। गवर्नमेंट को मेरा संदेश है, 1 साल बाकी है। ये जो पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं इसका इंतजाम, इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा आपको भुगतना पड़ेगा। We want leadership. We want leadership. We want leadership. We want leadership.